Hey, what's up guys? मेरा नाम विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव शुभ टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड गाइस यार, आज इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर इसी रील को कैसे बनाते हैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। एंड गाइस, इस चीज़ को हम आज इस वीडियो के अंदर परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में दबा देना बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है, एक का नाम है टर्बो वीपीएन एंड दूसरे का नाम है कैपकट एप्लीकेशन। तो गाइस, जो टर्बो वीपीएन है, अब आप कह रहे होंगे कि यार वीपीएन के तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, बट मैंने यहाँ पे टर्बो वीपीएन क्यों चूज़ किया? गाइस, क्योंकि टर्बो वीपीएन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, सेफ एंड स्टेबल वीपीएन ऐप है। यहाँ पे आपको ज़्यादा एड्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं एंड जो इसका जो बेस्ट लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ईजिली क्लिक करके या फिर डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर देना, जिसका कि आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, तो आपको सिंपली उस पर भी क्लिक करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। गाइस, यहाँ पे वीपीएन को हमें सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर, क्योंकि कैपकट एप्लीकेशन जो है वो इंडिया में बैन है, तो वो बिना वीपीएन के कनेक्ट करें नहीं चलेगी। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे टैब की स्क्रीन, तो यहाँ पे मैंने अपनी होम स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं, पहली आपकी टर्बो वीपीएन एंड दूसरी आपकी कैपकट एप्लीकेशन। तो गाइस, टर्बो वीपीएन को यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंड टर्बो वीपीएन को ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पे टैप टू कनेक्ट करके एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आपको यहाँ पे टैप टू कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आप जैसे कि देखेंगे आपका जो वीपीएन है वो थोड़ी देर में यूनाइटेड स्टेट्स म्यांमार के अंदर कनेक्ट हो जाता है, तो आपने जैसे कि देखा एंड काफ़ी ज़्यादा इसका सिक्योर्ड कनेक्शन रहता है। एंड अगर आपके घर में वाईफाई काफ़ी अच्छी स्पीड का लगा हुआ है तो गाइज, इस वाले एप्लीकेशन को आपको लगेगा ही नहीं कि आपको यहाँ पे कोई वीपीएन कनेक्ट करके चला रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर वीपीएन है। तो यहाँ पे आपको बैक कर लेना है एंड अब बैक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगा, जिसका कि नाम होगा कैपकट टेम्पलेट करके। तो गाइज, आपको वहाँ पे उसको क्लिक कर लेना है, जिससे कि आप कैपकट की टेम्पलेट वाली साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे इसको क्लिक कर लेना, बाकी मैं यहाँ पे अपने ब्रेव ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको एंड उसके बाद आपको यहाँ पे होम पे आ जाना है। तो आपके गाइज सामने इस तरीके का होम पेज आ जाएगा। होम पेज आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे रारा तारा कैपकट टेम्पलेट, इस तरीके से एक टेम्पलेट मिल जाएगी, तो आपको गाइस इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गुड बाय 2022 इस तरीके से टेम्पलेट है, तो यहाँ पे यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट इसके नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा आपको, आपको गाइस उस पर क्लिक कर देना है। बट क्लिक करने से पहले एक चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपसे कि इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आपका जो कैपकट आपका जो वीपीएन ऐप है वो आपका कनेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि कैपकट आपकी एप्लीकेशन तभी ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको यूज ऑन कैपकट पे क्लिक कर देना, यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट पे, उसके बाद ये आपको कैपकट की ऐप पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे इसने कर दिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे यूज टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो गाइज, यूज टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी ऐप के अंदर, जिससे कि आप अपनी फोटोज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पे कि आपको अपनी एडिटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे हम स्नैपशीट वाले ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी फोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइज, यहाँ तो ये कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है फोटोज़ को, होती जैसे कि आपने अपने सामने देखा 29 पिक्स की यहाँ पे डिमांड हो रही है ऑलमोस्ट चार। तो गाइज, ये ऑलमोस्ट मेरी 29 क्लिप्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके सामने आपको देखो करना क्या है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है एंड टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे 2022 की जगह विनीत करके लिख देना, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया तो यहाँ पे मैंने विनीत कर दिया एंड ऊपर जो गुड बाय है आपको यहाँ पे उसको डिलीट कर देना है। तो गाइज, यहाँ पे जो गुड बाय है उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो गाइज देखो, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं ऊपर वाले टेक्स्ट को तो आप डिलीट कर सकते हैं, वरना इसकी जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स, आप यहाँ पे इट्स करके इट्स विनीत, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, तो यहाँ पे इट्स विनीत करके आ चुका है
अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप जैसे आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपके सामने ये जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुकी है। एंड अब आपको यहाँ पे ना मेरे डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आपको गाइस उसको डाउनलोड कर लेना है जिससे कि आप यहाँ पे इसके ऊपर ये जो साउंड इफेक्ट है वो ऐड कर सकें। तो गाइस यहाँ पे हम इसको एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो वीडियो पर जो मैंने आपको बताया अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस वीडियो का, आपको उसको डाउनलोड करना है। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या रहता है। गाइज एक बार इसकी जो एक्सपोर्टिंग है वो खत्म हो जाने देते हैं। तो गाइज ये जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको वापस से कैपकट के अंदर आ जाना है। तो कैपकट में वापस से आपको आना है एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। एंड जो अभी हमने वीडियो बनाई है आपको यहाँ पे उसको दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। आप ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट वाले में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको कैपकट जो टेम्पलेट का ऑप्शन है आपको उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। आपको फिर क्लिक करना है एक्सट्रैक्टेड पे। एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो मेरे वीडियो का लिंक दिया है आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो वीडियो है वो मैंने लगा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने वीडियो ले ली है इम्पोर्ट साउंड ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार साउंड इंक्रीज कर लेते हैं। तो गाइज ये जो वीडियो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू देखा अपनी स्क्रीन में साइड में, इस तरीके से आपकी वीडियो तैयार होकर हो चुकी है बिल्कुल। एंड ये पूरी टेम्पलेट के हिसाब से सेट भी हो चुकी है। एंड हमने यहाँ पे जो अपना गाना है वो चेंज करके दूसरा भी लगा दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सेटिंग को सेट कर लेना है। देर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो है वो फटाफट से रेडी हो जाएगी। एंड गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपने जो एक बेसिक लेवल के स्मार्टफोन से या फिर आपका कोई सा भी स्मार्टफोन क्यों ना हो, आप यहाँ पे बहुत ही इजीली इस वाली वीडियो को बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एंड ट्रेंडिंग वीडियोस को बनाने से क्या फ़र्क रहता है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो वायरल हो जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया हो, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो एक बटन दबा के इस वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब ऐसे आगे और भी इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।